Hello everyone. Good morning. Welcome to m मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत सुबह आठ बजे के इस डेली करंट अफेयर सेशन में जितने भी लोग यहां पर सेशन के साथ जुड़ चुके हैं कनेक्ट कर चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग रश्मि रंजन शिवम अर्पित लालू गुड मॉर्निंग सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग सभी को यहां पर शुभप्रभात दीनदयाल जी गुड मॉर्निंग एक बार सभी लोग जितने लोग रेगुलर बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं रेगुलर बेसिस पर इस सेशन को ज्वाइन करते हैं एक बार फटाफट सेशन से को लाइक कर दीजिएगा और सेशन की लिंक को एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा प्रियंका निवेदिता अंशिका मिताली सभी को गुड मॉर्निंग अरे भाई सभी को गुड मॉर्निंग जल्दी सेशन से की लिंक को शेयर कर दीजिएगा सेशन को लाइक कीजिएगा करने वाले हैं सेशन की शुरुआत अदिति रशिका दीनदयाल जी कमलेश सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग डॉली सभी को गुड मॉर्निंग आप में से ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं तो डेली बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं एक बार यस लिखकर मुझे यहां पर बताइएगा ताकि मैं अपनी तरफ से अवेयर हो सकूं कि हमारे पास डेली बेसिस पर जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी है तो एक बार यस 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 लिखकर मुझे बता दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है करंट अफेयर्स आप सभी के बैंक एस एस सी और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव पर होते हैं एग्जाम है। तो का, का हिस्सा बनते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं तो चलिए आप सभी लोग यहां पर कनेक्ट कर चुके हैं जुड़ चुके हैं तो सेशन की करेंगे शुरुआत और सेशन की शुरुआत आपकी यहां पर होगी सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आपने अभी तक एम बाइव ऐप को विजिट नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और एम बाइव ऐप को डाउनलोड कीजिए और एम बाइव ऐप को विजिट कीजिए यहाँ पर आप सभी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विज मॉक्स बहुत सारे वीडियोस बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है तो इसका लाभ उठाएं और आज ही एम बाइव ऐप पर विजिट कीजिएगा साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं एस एस कैटेगरी में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आप सभी के सामने है और क्यू कोड आपके सामने है बैंक कैटेगरी में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना होगा एम बाइवी बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल बैंक एंड एस बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम बस इतना आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर और आप पहुंच जाएंगे बैंकिंग कैटेगरी के टेलीग्राम चैनल पर जहां पर आपको बहुत सारी सेशंस uh, की अपडेट्स पीडीएफ्स ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की और सबसे पहले हम लोग डिस्कस यहां पर करेंगे मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आपके सामने है लिखा हुआ है योर टाइम इज लिमिटेड आपका जो समय है वो सीमित है सो डोंट वेस्ट इट लिविंग सम वन एल्स लाइफ तो इस समय को बर्बाद मत कीजिए किसी और का जीवन जीने में क्या अर्थ है इसका क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि आप अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर आप ही बनिए कोई ऐसा ना हो कि आपके जीवन को कोई और कंट्रोल कर रहा हो या किसी और के कहने पर या किसी और के सपनों को जीने में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करना है जो कुछ भी हासिल करना है आपने जो भी सपने देखे हैं वो सपने आपके हैं लेकिन अगर कोई और कहता है तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए तुम्हें डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना चाहिए तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी नहीं ये करना चाहिए प्राइवेट जॉब करना चाहिए तुम ऐसे कर लो तुम वैसे कर लो आपने जो सोचा है आपने जो समझा है आपके जो सपने हैं और ये जीवन आपका है समय आपका है तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए किसी और के कहने पर या किसी और के सपनों को पूरा करने में मत लग जाइए क्योंकि इससे समय आपका वेस्ट होगा और आप जीवन में ना तो सफल हो पाएंगे और ना ही खुश रह पाएंगे हैप्पी रह पाएंगे कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं स्टीव जॉब्स इन्हें जो पसंद था इन्होंने वो किया किसी और के कहने पर अपने सपने मत बनाइए किसी और के कहने पर अपने टारगेट मत सेट कीजिए लक्ष्य आपका होना चाहिए आपके पसंद का होना चाहिए आपका होना चाहिए फाइनली बात समझ में आ रही है सभी को ओके okay देन तो चलिए इसी मोटिवेशन कोर्ट ऑफ द डे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन में जो मैंने आप सभी को होमवर्क प्रोवाइड किया था जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा मैं एक बार फटाफट से होमवर्क को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग फटाफट फटाफट आंसर दे दें पहला क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आप सभी को दिया था कि वो ये था कि मोढेरा विलेज हैज बिकम द फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन द कंट्री इन विच स्टेट इज दिस विलेज लोकेटेड ये जो गांव है बेसिकली भारत के किस राज्य में मौजूद है तो इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ ईरानी कप टू बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र दिस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सी फॉर क्रिकेट बनेगा एंड थर्ड क्वेश्चन इज इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मिशन लाइफ मिशन लाइफ की शुरुआत किस राज्य से की गई है फटाफट से कमेंट सेक्शन में गुजरात क्रिकेट गुजरात बिल्कुल सही है इसका आंसर गुजरात इसका आंसर गुजरात क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रहेगा आपका क्रिकेट तो वेरी गुड वेरी गुड, गुड एवरीवन एवरी चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेशन में हम लोग करीब 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे जो लास्ट सेशन में मैंने आप सभी के साथ इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस की थी उस न्यूज़ पर आधारित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का समय आ चुका है लेकिन आगे बढ़ने से पहले डालेंगे एक नज़र आज की टॉप फाइव हेडलाइंस पर जिनके बारे में हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कशन एमसीक्यू वाले पार्ट के बाद तो आज की टॉप फाइव हेडलाइंस लेखक खालिद जावेद ने जीता जेसीबी प्राइज 2022 भारत में साहित्य कला को बढ़ावा देने के लिए जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड अरुण गोयल बने इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब केडर के उन्नीस बैच के आई ऑफिसर है मिस्टर गोयल यूनियन मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल ने इनोग्रेट किया नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनानी मेडिसिन सेंटर असम के सिलचर में बना है ये इंस्टीट्यूट जल जीवन मिशन रैंकिंग्स 2022 की रिपोर्ट हुई रिलीज यूपी का सायजहांपुर रहा शीर्ष पर मेगा स्टार चिरंजीवी को मिला इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान गोवा में आयोजित फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया है ये अवार्ड पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा चलिए फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू कीजिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर वन गांधी मंडेला अवार्ड 2022 वाज रिसेंटली गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या पर्सनालिटी को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 आपके यहां पर दिया गया था पांच ऑप्शन आपके सामने हैं फटाफट से मुझे बताइएगा कि सही जवाब यहां पर क्या बनेगा लाल कृष्ण आडवाणी जी नितिन गडकरी साहब चौदहवें दलाई लामा जी या फिर शेख मुजीबुर रहमान एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज पांचवा ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज है से कोई नहीं तो बताइएगा सही जवाब तो सही जवाब आपका यहां पर जो बनेगा वो बनेगा फोर्टीन दलाईलामा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर वेरी गुड एवरी वन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन विच स्टेट्स विच स्टेट्स गवर्नर

द्वारा यह अवार्ड दलाई लामा जी को दिया गया गवर्नर नेम मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा क्वेश्चन नंबर थ्री विच डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड होमर एज द मोस्ट वर्ड इन टू किस डिक्शनरी ने हाल ही में होमर शब्द को दो हजार बाईस का सबसे अधिक सर्च किया गया शब्द घोषित किया है डिक्शनरी का नाम क्या बनेगा डिक्शनरी का नाम क्या बनेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी

लांस नायक मंजू ऑफ विच कमांड जम्पड फ्रॉम अ हाइट ऑफ टेन थाउजेंड फीट टू बिकम द फर्स्ट विमेन सोल्जर स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी लांस नायक मंजू जी ने दस हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया वे किस कमांड से बिलोंग करती हैं वेस्टर्न कमांड ईस्टर्न कमांड नॉर्दर्न कमांड सदर्न कमांड और फिफ्थ ऑप्शन एज सेंट्रल सेंट्रल कमांड तो ये रहे आपके पांच ऑप्शन जिसमें से आपको ये बताना है कि इंडियन आर्मी की किस कमांड से बिलोंग करती हैं तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईस्टर्न कमांड नो 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 सदन इज नॉट द राइट आंसर है और मिताली करेक्ट आंसर आपका बनेगा ईस्टर्न कमांड इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग अपडेट कीजिएगा लांस नायक मंजू दस फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग इन्होंने यहां पर की है फर्स्ट इंडियन सोल्जर विमेन सोल्जर ओके तो ये ईस्टर्न कमांड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच स्टेडियम डिड ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बिगिन ऑन ट्वेंटी नवंबर। हाल ही में 20 नवंबर को फीफा विश्व कप 2022 का भव्य उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में शुरू हुआ है किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है एक नंबर पर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा और लोकेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ये जो पर्टिकुलर स्टेडियम है किस शहर में या किस कंट्री में मौजूद है तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है पांच ऑप्शन आप सभी के सामने है अहमद बिन अली स्टेडियम सेकेंड ऑप्शन इज अल जनाब स्टेडियम अल बैत स्टेडियम अल थुमामा स्टेडियम और खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम तो ये रहे पांच ऑप्शन जिसमें से सही जवाब आपका यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल बैत स्टेडियम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा अपडेट कर लीजिएगा नेक्स्ट द ओपनिंग मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बेसिकली ये पहला मैच होगा वाज प्लेड बिटवीन द होस्ट कतर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फीफा विश्व कप 2022 का जो पहला मैच है मेजबान कतर और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपका खेला गया था तो ब्राजील इक्वेडोर कैमरून, इटली और भारत जो पहला मैच खेला गया था वो होस्ट नेशन कतर और किस कंट्री के बीच में खेला गया था जहां पर कतर को हार का सामना करना पड़ा तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इक्वाडोर इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पीएम मोदी रिसेंटली इनाग्रेटेड डोनी पोलो एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट इट इज अ टाइप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन आपका किया है आपको बताना यह है कि यह किस प्रकार का एयरपोर्ट है यह एक ब्लैक फील्ड एयरपोर्ट है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है व्हाइट फील्ड एयरपोर्ट है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है या फिर ऑप्शन नंबर फाइव इनमें से कोई नहीं बताएगा सही जवाब इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा यह एक तरीके का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जो एक पर्टिकुलर जहाँ पर डेवलपमेंट ना के बराबर होता है ऐसी पर्टिकुलर एरिया में जब एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रा वगैरह डेवलप नहीं होता तो ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनागरेटेड द फर्स्ट ग्रैंड द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डोनी एयरपोर्ट दिस एयरपोर्ट इज द ऑपरेशनल एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश राज्य का कौन से नंबर का हवाई अड्डा आपका यहाँ पर बनता है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है और सिक्सथ है इस पर्टिकुलर हवाई अड्डे का जो बेसिकली लैंडिंग एरिया है या जो उनकी लैंडिंग स्ट्रिप है वो सबसे लंबी है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का ऑपरेशनली अगर हम बात करें तो चौथा एयरपोर्ट आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच कंट्री इज नॉट अमंग टॉप फाइव इन द रिस रिलीज द नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स टू थाउजेंड हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप फाइव कंट्रीज में शामिल नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपको uh, एस एस सी या फिर बैंक पी जैसे हाई लेवल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में से टॉप फाइव कंट्रीज़ के नेम याद रखना अपने आप में टफ़ काम है तो ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकारी स्तर के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टॉप फाइव कंट्रीज में सिंगापुर स्वीडन नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है और नंबर वन पोजीशन पर अमेरिका है ना कि यूनाइटेड किंगडम तो यूके की जगह जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो यूएसए होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ वन हंड्रेड एंड थर्टी वन इकोनॉमीज इन द रिसेंटली नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 हाल ही में प्रकाशित इकसठवे चौरानवे या फिर पचपनवे स्थान पर रहा भारत की रैंकिंग यहां पर रहेगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत इकसठवें स्थान पर रहा वेरी गुड एवरी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट इज द थीम ऑफ द नेक्स्ट एस सीओ संघाई को ऑपरेशन समिट अनाउंस बाई इंडिया दो हजार तेईस में संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा घोषित अगले एस सी ओ शिखर सम्मेलन का विषय क्या है थीम क्या है फटाफट से आंसर दीजिएगा सही जवाब अगली एस सी ओ समिट की थीम आपकी यहां पर क्या बनती है तो यहां पर याद रखिएगा फॉर अ सिक्योर एस सी ओ तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर वेरी गुड एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच फीमेल एथलीट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर अ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इन बुल्गारिया अंडर द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और टॉप स्कीम किस महिला एथलीट को हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत बुल्गारिया में हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण के लिए मंजूरी आपकी यहां पर दे दी गई है पांच ऑप्शन आपके सामने हैं साक्षी मलिक मीराबाई चानू लवलीना बोरगहन विनेश फोगट और गीता फोगट पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब टॉप्स स्कीम के तहत हाल ही में इन्हें फॉरेन कंट्री में बेहतर प्रशिक्षण के लिए अप्रूवल दिया गया है सही जवाब आपका यहां पर बनेगा विनेश फोगर जो कि एक जानी मानी रेसलर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है राइटर नेम जो कि बेसिकली आपके एक हिस्टोरियन है साइमन सेबक अ हिस्टोरियन हैज रिटन अ बुक टाइटल इज द वर्ल्ड आ फैमिली हिस्ट्री ही बिलोंग्स टू विच कंट्री इतिहासकार साइमन सेबग द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई है आपको यह बताना है कि यह राइटर यह इतिहासकार किस देश से संबंधित हैं डेनमार्क इजिप्ट इंडिया ब्रिटेन और अमेरिका पांच ऑप्शन बताइएगा सही जवाब करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा ओके मैक्सिमम लोगों का आंसर है ब्रिटेन तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन इज द राइट आंसर है जितने भी लोगों ने ब्रिटेन आंसर दिया है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट ज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन यंगेस्ट ए टी पी प्लेयर रिसेंटली हाल ही में कौन विश्व के दुनिया के नंबर एक नंबर वन पोजीशन पर तो पहुंचे ही हैं और सब नंबर वन पोजीशन तक पहुँचने वाले सबसे युवा सबसे यंगेस्ट एटीपी खिलाड़ी आपके यहाँ पर बने हैं टेनिस के खेल की बात यहाँ पर हो रही है पांच ऑप्शन आपके सामने हैं नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्क्राज जेनरिक जेनेनिक सिनर डैनियल मेदवेदेव और अलेक्जेंडर जेवरेव फिफ्थ ऑप्शन इज अलेक्जेंडर जेवरेव तो पांच ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा सबसे यंगेस्ट नंबर वन ए टेनिस खिलाड़ी नेम इज ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अलक्रज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आंसर फटाफट विच ऑफ फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड टेलीविजन डे बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हाल ही में निम्नलिखित में से नॉट हाल ही में निम्नलिखित में से किस किस दिन को किस को डे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व टेलीविजन दिवस के तौर पर घोषित किया गया था डे कौन सा है फिफ्टीन ऑफ मार्च ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जून ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर और ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे के तौर पर जो सेलिब्रेट किया जाता है वो दिवस है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है तो टोटल फिफ्टीन एम सी क्यूज का जो डिस्कशन है वो पूरा हुआ और यहाँ तक का डिस्कशन अगर आप सभी को पसंद आया है like यहाँ तक का डिस्कशन सबको पसंद आया हो ओके चलिए न्यूज के लिए रेडी हो जाइए तैयार हो जाइए डिस्कशन शुरू करते हैं हाल ही में एक्टर मेगा स्टार चिरंजीवी को चिरंजीवी नेम द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू अवार्ड इस पुरस्कार से सम्मान से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं एक्टर चिरंजीवी चलिए चिरंजीवी की बात कर लेते हैं इंडियन एक्टर है इंडियन एक्टर चिरंजीवी कोनीडेला जो कि इंडियन एक्टर भी हैं फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और फॉर्मर पॉलिटिशियन भी हैं हु मोस्टली वर्कस इन तेलुगू मूवीज जो कि अधिकतर तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं वाज नेम द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू अवार्ड एट द फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा गोवा में इस समय जो तिरपनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है वहां पर उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया ये याद ये बनेगा कि हाल ही में गोवा में वो कौन से नंबर का एडिशन है तो वो है आपका फिफ्टी एडिशन क्लियर है अवार्ड का नेम आपको यहाँ पर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करते हैं इसी पर्टिकुलर न्यूज में एक्टर चिरंजीवी है इन ओवर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फिल्म इन करियर अपने करियर uh, में इन्होंने करीब करीब एक सौ पचास फिल्मों में काम किया एंड ही वॉज ही हैज एक्टेड इन तेलुगु तमिल एंड हिंदी मूवीज इन्होंने इन अलग अलग कैटेगरी uh, की फिल्मों में भी काम किया है इन फोर डिकेट फिल्म करियर चार दशकों तक इनका जो फिल्म करियर रहा चिरंजीवी हैज वन दी आंध्र प्रदेश स्टेट्स हाइएस्ट फिल्म अवार्ड आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार फिल्म अवार्ड भी उन्होंने जीता द रघुपति वेंकैया अवार्ड भी इन्होंने जीता थ्री नंदी अवार्ड्स भी जीते और नाइन तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उन्होंने अपने चार दशक के करियर में यहां पर ये सभी पुरस्कार इन्होंने जीते हैं आगे बात करते हैं इन 2006, थाउजेंड में ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण भारत का चौथा सबसे देखिए नंबर वन पोजीशन पर आता है आपका भारत रत्न भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पर भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बनेगा पद्म विभूषण पद्म विभूषण पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका रहेगा पद्म भूषण और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको याद रखना है पद्मश्री पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपका यहां पर बनेगा तो ये तो सबको पता है क्लियर है ये बात अच्छा मुझे ये लिखकर बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी पर्सन को भारत रत्न सम्मान के लिए चुना जाता है तो कितनी नगद इनामी धनराशि उस व्यक्ति को दी जाती है जैसे भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान लिखकर मुझे बताएगा फटाफट से ओके। तो 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया ठीक है। डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट फ्रॉम दी आंध्रा यूनिवर्सिटी ठीक है आंध्रा यूनिवर्सिटी से आंध्रा विश्वविद्यालय से डॉक्टोरेट की मानत उपाधि भी इनको यहां पर मिली अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 75 फाइव यूथ और युवा इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 35 विल गेट द अटेंड द फेस्टिवल दिस ईयर एज स्पेशल गेस्ट एज अ पार्ट ऑफ द 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो बाय दिस ईयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है आजादी के पचहत्तर साल आपके यहां पर पूरे हुए हैं बिल्कुल सही कहा आप सभी ने कि कोई भी कैश रिवॉर्ड आपका यहां पर नहीं दिया जाता भारत रत्न सम्मान के तहत कोई भी नगद इनामी धनराशि आपकी नहीं दी जाती पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस साल जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है गोवा में वहां पर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है आजादी के पचहत्तर साल आपके यहाँ पर पूरे हुए हैं सेवेंटी फाइव ईयर्स तो यहां पर सेवेंटी फाइव यूथ यानी कि युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी एज अठारह से पैंतीस साल है और इनको एक बेसिकली थीम

एफ वन ग्रैंड पिक्स अबूधाबी 2022 एक और रेस यहां पर जीत ली है मैक्स वर्स्टपेन ने जो कि इस सीजन की लास्ट रेस थी तो आप लोग अब थोड़ा गहरी सांस ले सकते हैं चिंता मुक्त सांस ले सकते हैं कि अब हमें कोई भी और F1 वन फॉर्मूला रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लास्ट रेस थी इस सीजन की ओके okay. तो मैक्स वरिस्टपेन ने अबू धाबी ग्रैंड पिक्स रेस आपकी यहाँ पर जीत ली है हम सभी जानते हैं कि रेडबुल के ड्राइवर हैं किस कंपनी की कार ये रेस ट्रैक पर दौड़ाते हैं तो आंसर रहेगा रेडबुल रेडबुल ड्राइवर मैक्स वरिस्टपेन है टाइटल ऑफ एफ वन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू अबुधाबी ग्रैंड पिक्स हेल्ड एट या सर्किट है ये जो रेस आयोजित की गई थी वो यास मरीना सर्किट अबू धाबी में आयोजित की गई थी और इस रेस को यहां पर जीता है मैक्स ने क्लियर है क्लियर है ओके देन मैक्स वरिष्ठ पिन वन हेज रिकॉर्ड फिफ्टीन टाइटल ऑफ द 2022 सीजन यानी कि इस साल 2022 में जितनी भी रेस यहां पर आयोजित की गई हैं इसमें सबसे ज्यादा रेस मैक्स वरिस्टपेन ने जीती हैं टोटल 15 और यह एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी ड्राइवर के द्वारा सबसे ज्यादा रेसेस जीतने का एक सीजन में एक ईयर में ओके टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू सीजन एज द वर्ल्ड एफ वन चैंपियन यहां पर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आयोजित होती है तो दो हजार बाईस का जो सीजन खत्म हुआ है उन्होंने वर्ल्ड फॉर्मुला वन चैंपियनशिप भी जीती थी तो वो चैंपियन के तौर पर इस साल को अपना इस सीजन को अपना खत्म कर रहे हैं ही ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ थर्टीन रेस विक्ट्रीज इन द इन अ सीजन ज्वाइंटली हेल्ड बाई द सेवन टाइम वर्ल्ड चैंपियन माइकल सुमाकर ठीक है 2004 सीजन में और फोर टाइम वर्ल्ड चैंपियन सेबिस्टियन बेटल 2013 सीजन में तो इससे पहले ये रिकॉर्ड माइकल सुमाकर और सेबिस्टियन बेटल के नाम था जिन्होंने एक सीजन में तेरह रेस जीती थी उन्होंने इस सीजन में पंद्रह रेस आपके यहां पर जीती है तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल में जितनी भी इम्पोर्टेंट रेसेस आपके यहाँ पर हुई हैं इसकी एक कंप्लीट लिस्ट आप सभी के सामने है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्स वरिष्ठ पेन क्योंकि इस साल टोटल पंद्रह रेसेस इन्होंने जीती हैं तो इनमें से किसी भी रेस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबू धाबी जो अभी जीती मैक्सिकन यूएस जैपनीज साउदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स इटालियन ग्रैंड पिक्स डच बेल्जियन हंगेरियन मियामी स्पेनिश अजरबैजान एमिलिया रोमां कैनेडियन फ्रेंच ग्रैंड पिक्स ये सभी रेसेस यहां पर जीती हैं मैक्स वर्स्टपेन ने ब्रांड रहेगा रेडबुल कार ब्रांड रेडबुल और नीदरलैंड कंट्री है जहां से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टपेन तो एक नंबर पर क्वेश्चन यहां से भी पुट अप हो जाता है कि कौन सा ड्राइवर किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एक नंबर पर यहां पर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा अभी रिसेंटली जॉर्ज रशल ने जो कि मर्सडीज के ड्राइवर है और मर्सिडीज कार की ये पहली जीत है ब्रिटेन कि ये ड्राइवर बनते हैं इन्होंने हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स को आपके यहां पर जीता है तो ये लिस्ट आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी इसका लाभ उठाइए और इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें क्लियर है सभी को डू लाइक द सेशन एवरीवन क्लियर है ओके नेक्स्ट न्यूज उमा शर्मा रिसीव्स सुमित्रा सुमित्रा चरत राम अवार्ड ठीक है उमा शर्मा जी को हाल ही में सुमित्रा चरत राम अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कथक एक्सपोनेंट उमा शर्मा रिसीव द प्रेस्टीजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड इन रिकॉग्निशन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस तो बेसिकली आ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री और डांस कैटेगरी में उनके योगदान के लिए सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया है कत्थक डांसर उमा शर्मा जी को मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कत्थक नृत्य है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है लिखकर मुझे बताएगा जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कत्थक डांस किस राज्य से संबंधित है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आगे बात करते हैं रिसीव अवार्ड फ्रॉम दी फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करण सिंह एंड सिंह सॉरी एंड सरोद प्लेयर उस्ताद अमजद अली आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर करण सिंह और सरोद प्लेयर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा एक सेरेमनी में यहां पर यह पुरस्कार दिया गया यह सेरेमनी आयोजित आपकी की गई थी वो लोकेशन आपकी बनती है श्री राम भारती कला केंद्र सीराम भारतीय कला केंद्र कमानी ऑडिटोरियम यहां पर इस सेरेमनी को आयोजित किया गया था जहां पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया अवार्ड से रिलेटेड कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं इंस्टीट्यूटेड इन in 2010 इस अवार्ड की स्थापना सुमित्रा चरत राम पुरस्कार इस अवार्ड की शुरुआत 2010 में हुई एंड द अवार्ड कमेमोरेट्स द फाउंडर ऑफ एस बी के यानी कि बेसिकली ये जो हमने अभी फाउंडेशन डिस्कस किया इस फाउंडेशन की बात यहां पर की जा रही है यानी कि एस बी बी के फाउंडेशन ठीक है यानी कि श्री राम भारती कला केंद्र इस फाउंडेशन या इस केंद्र के जो संस्थापक थे उनकी याद में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था 2010 में ठीक है कम मेमोरीज द फाउंडर ऑफ एस बीबी के सुमित्रा चंद्र राम एज अ कल्चरल रिवाइवलिस्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आजादी से पहले बेसिकली uh, कला के क्षेत्र में कला को फिर से उसका अनुत्थान करने के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए इनको जाना जाता है ठीक है सुमित्रा चरित राम जी को इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत यहां पर की गई थी अगर हम बात करें शी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन नाइनटीन सेवनटी थ्री एंड पद्म भूषण इन टू थाउजेंड एंड वन तो बेसिकली इन्हें यहाँ पर दो हज़ार एक में पद्म विभूषण पद्म भूषण और नाइनटीन सेवनटी थ्री में पद्मश्री से आपका सम्मानित किया गया था तो ये भी आप वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये पहले भी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कत्थक उत्तर प्रदेश वेरी गुड जितने भी लोगों ने यूपी आंसर किया है यूपी में बेसिकली और नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो कथक नृत्य है वो काफी पॉपुलर है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो पहली न्यूज इंडियन नेवल शिप्स त्रिकंद और तेग आर डिप्लॉयड टू ओमान इन्हें ओमान भेजा गया है फॉर बायोलिट्रल एक्सरसाइज नसीम बहर और सी ब्रीज इस एक्सरसाइज के लिए भारतीय नौसैनिक जहाज़ों त्रिकंद और तेग को भेजा गया है ओमान इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस एक्सरसाइज को सी ब्रीज एक्सरसाइज के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं सी ब्रीज ज बीन बाइनियल फीचर सिंस नाइनटीन नाइनटी थ्री तो यह इस साल इस एक्सरसाइज का तेरवा एडिशन है और इस एक्सरसाइज को नाइनटीन नाइनटी थ्री से आपका यहां पर आयोजित किया जा रहा है द फर्स्ट एक्सरसाइज बाइनियल यानी कि हर दो वर्षों में एक बार इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी विद द रॉयल नेवी ऑफ ओमान वाज़ कंडक्टेड इन 1993 It's, इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन 1993 में कंडक्ट हुआ था और लास्ट एडिशन अभी 2019 में कंडक्ट हुआ था उसके बाद कोरोना पेंडेमिक के आसपास 2021 में इस एक्सरसाइज को आयोजित नहीं किया गया अब 2022 में जाकर इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है क्लियर है किसी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन चार चीजें याद रखनी है पहला एक्सरसाइज का नाम दूसरा एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में आयोजित की जा रही है तीसरा ये एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है कौन से नंबर की एक्सरसाइज है चौथा लोकेशन इंपॉर्टेंट बनेगी पांचवा पहली बार वो एक्सरसाइज कब आयोजित की गई थी तो ये एयरफोर्स की याद रखनी पड़ेगी क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को यस। कुछ डिफेंस की बात करें। अभी तक अगर हम लेटेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो 2022 में 2022 में अभी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं जैसे कि बोंगो सागर 2022 एक्सरसाइज जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है बांग्लादेश के साथ और ये एक्सरसाइज आयोजित हुई है पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में वरुणा 2022 एक्सरसाइज जो कि इंडियन और फ्रेंच इंडिया और फ्रांस की नेवीज़ के बीच में आयोजित की गई है क्योंकि ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इसकी लोकेशन थी अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में ये एक्सरसाइज आयोजित की गई इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई 2022 में इंडिया और जापान के बीच में लोकेशन थी बेलगावी या बेलगाम कर्नाटका नेक्स्ट है एक्सरसाइज संप्रीति एक्स जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुई लोकेशन बांग्लादेश में थी और एक्सरसाइज दस्तलिक जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई उज्बेकिस्तान की इस लोकेशन पर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं नेम इम्पॉर्टेंट है लोकेशन इंपॉर्टेंट है कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, है और किस टाइप की एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कैटेगरी पर्सन इन न्यूज एक और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है और अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अरुण गोयल अपॉइंटेड साहब को इलेक्शन कमिश्नर ब्यूरोक्रेट एंड ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कैडर रिसेंटली टूक चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर फिलिंग दर्ड एंड द फाइनल पोस्ट तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्हें हम सीईसी कहते हैं और दो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर तो टोटल तीन लोग इस संस्था का मेन हिस्सा होते हैं तो तीसरी पोस्ट भी आपकी यहां पर अब फिल हो चुकी है फटाफट से कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है सीई कौन है नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और सेकंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था ट्वेंटी ऑफ जनवरी ईयर आपका क्या था किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था फटाफट से कमेंट सेक्शन में ट्वेंटी ऑफ जनवरी लेकिन किस ईयर में भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी यह मुझे लिखकर बताइएगा क्योंकि 25 जनवरी की तारीख नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर जानी जाती है और इसीलिए मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में 1950 में जितने भी लोगों ने राजीव कुमार आंसर किया है सुप्रिया रिपर्णा दुर्गेश शशांक शुक्ला मधु आशिमा विवेक वाघेला जितने भी लोगों ने 1950 आंसर किया है बिल्कुल सही है वेरी गुड एवरी तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा एक और क्वेश्चन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे लिखकर यह भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आगे बात करते हैं द पोस्ट हैड बीन वैकेंट फ्रॉम सिक्स मंथ ये जो पद था जिस पर अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है वो पद पिछले छह महीनों से खाली था गोयल जॉइंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड द इलेक्शन कमिश्नर अरूप चंद्र पांडे तो वर्तमान में हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार और जो एक इलेक्शन कमिश्नर और हैं क्योंकि दो इलेक्शन कमिश्नर आपके रहेंगे तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हो जाएंगे आपके अरुण गोयल द पोस्ट हैड बीन अनऑक्यूपाइड सिंस द सीई सी सुशील चंद्रा रिटायर्ड ऑन द मे 14, हैंडलिंग द चार्ज ऑफ द राजीव कुमार ठीक है नॉट इम्पोर्टेंट आगे बात करें सुकुमार सेन वेरी गुड एवरीवन आप सभी ने आंसर सही दिया है सुकुमार सेन भारत के फर्स्ट सीईसी थे वेरी गुड आगे हम लोग थोड़ा सा अरुण कुमार गोयल जी के जीवन पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे उनके बारे में अरुण गोयल जी की बात करें तो 1985 बैच के आई ऑफिसर हैं पंजाब कैडर से और ये अभी रिसेंटली 31 दिसंबर लास्ट ईयर 21 में ये आपके रिटायर्ड हुए थे एज द एज ऑफ 60 बट इन इन्होंने वॉलन्ट्री रिटायरमेंट लिया था उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो पोस्ट है वो स्वीकार करी अकॉर्डिंग टू लॉ कानून के अनुसार द इलेक्शन कमिश्नर और सी सी पोस्ट कैन बी हेल्ड अप फॉर द सिक्स ईयर यानी कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर या इलेक्शन कमिश्नर के पद पर छह वर्षों तक बना रह सकता है कार्यकाल की बात करूं या फिर अगर उनकी एज 65 पूरी हो जाती है तो ये एज रहेगी या फिर सिक्स इयर मैक्स तो जो आपका होगा वो आप यहां पर उसके बाद उनका रिटायरमेंट पूरा होगा क्लियर है मेरी बात ये सब आई ऑफिसर ही अपॉइंट क्यों होते हैं वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन है वैसे जागृति आई ऑफिसर के तौर पर इनका का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है 1985 से लेकर अब तक तो इनके पास वैसे भी बहुत बड़ा अनुभव है बेसिकली देखा जाए ब्यूरोक्रेट के तौर पर एक जो अनुभव है एक्सपीरियंस है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संस्था है वहाँ पर अनुभवी लोगों की ज़रूरत होती है आई अधिकारी देश की बैकबोन कहे जाते हैं क्योंकि ये देश को चलाते हैं तो बेसिकली ऐसे पदों पर इसी तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनके तो इसीलिए तो जागृति okay? 2022 जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो जेसीबी पुरस्कार है वो दिया गया है राइटर खालिद जावेद साहब को ओके ऑथर खालिद जावेद

के लिए इस साल के 2022 के लिए चुना गया है किताब का नाम इंपॉर्टेंट है राइटर इंपॉर्टेंट है और इसके जो ट्रांसलेटर हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है ठीक है बुक द बुक ओरिजिनली द बुक ओरिजिनली पब्लिश्ड एज इस किताब का जो शुरुआती नाम था या ओरिजिनल नेम था इस किताब को 2014 में रिलीज किया गया था नेमत खाना के नाम से नेमत खाना ये इस किताब का ओरिजिनल नेम है जो 2014 में रिलीज हुई थी और फिर फोर्थ ट्रांसलेशन है टू विन द अवार्ड एंड द फर्स्ट वर्क इन उर्दू तो उर्दू भाषा की यह पहली रचना है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया है अलग अलग भाषाओं में इस किताब को अनुवाद किया गया है और यह इसका चौथा अनुवाद था जो इंग्लिश में किया गया था तो साहित्य के क्षेत्र में इस बुक को यहां पर इस पुरस्कार के लिए चुना गया क्लियर है ओके इस पुरस्कार के तहत जावेद साहब रिसीव करेंगे प्राइज मनी ऑफ ट्वेंटी फाइव और साथ में एक ट्रॉफी भी इसके अलावा जो बरन फारूखी हैं, जिन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया है उनको भी दस लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन की बात कर लेते हैं जिनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है दो में टू प्रमोट द आर्ट ऑफ लिटरेचर इन इंडिया भारत में साहित्य की कला को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा की गई थी तो फाउंडेशन का नाम भी इंपॉर्टेंट आपका यहां पर बनता है आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी एक टेबल बना लें टेबल में एक तरफ अवार्ड का नाम और सामने की तरफ किस पर्सनैलिटी को वो अवार्ड दिया गया है और किस लिए वो अवार्ड दिया गया है आप इन तीन सेक्शन में एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं टेबल तैयार कर सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी अच्छा आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की टेबल ऑलरेडी बना रखी है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा यहां तक का सेशन अगर आप सभी को पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक like जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की बात करें द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ओपनड इन सिल्चर लोकेशन सिलचर रहेगी जहां पर नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनानी मेडिसिन इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया वाज इनोग्रेटेड इन सिलचर टाउन ऑफ असम बाय यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ठीक है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा यहाँ पर सिलचर में नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनानी मेडिसिन सेंटर या इंस्टीट्यूट इस्टेबल किया गया है ओके okay, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है सिल्चर असम जहां पर इस यूनानी मेडिसिन इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया है ये उस की इमेज है। 48 तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आप सभी के सामने है क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसे बनाने की कुल लागत अड़तालीस करोड़ रुपए है सिलचर असम तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनानी मेडिसिन सेंटर होगा क्लियर है ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रैंकिंग से संबंधित है जल जीवन मिशन के तहत रैंकिंग्स 2022 आपकी यहां पर रिलीज कर दी गई हैं और ऐसी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और रिपोर्ट जो सरकार के द्वारा रिलीज की जाती हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान की रिपोर्ट आई जल जीवन मिशन की रिपोर्ट आई तो यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है ओके okay. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली साइटेड द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज ऑन द जल जीवन मिशन वेबसाइट एज प्रूफ ऑफ इट्स कमिटमेंट टू तो इंश्योरिंग टेप वाटर इन ऑल रूरल होम्स सून उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में नल का पानी या टैप वाटर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के तौर पर जल जीवन मिशन वेबसाइट पर अपनी नवीनतम रैंकिंग का हवाला दिया है जिसमें यहां पर यूपी का जो जिला बनता है उसने टॉप किया है सेवरल uh, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्स रैंकिंग्स well उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है जल जीवन मिशन रैंकिंग्स में स्पेशली शाहजहांपुर शाहजहांपुर दैट हैज टॉप अक्रॉस द कंट्री इन द एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी इन अक्टूबर मंथ तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शाहजहांपुर जिले ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और टॉप किया है क्लियर है और उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश जीके का क्वेश्चन मैं आप सभी से यहां पर पूछता हूं देखते हैं कितने लोगों को याद है उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऐसा जिला उस जिले का नाम क्या है जो भारत के चार अलग अलग जिलों से बाउंड्री शेयर करता है ठीक है चार अलग अलग जिलों से बाउंड्री शेयर करता है और यह भारत का इकलौता ऐसा जिला है ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जो चार जिलों के सॉरी चार जिलों के साथ नहीं चार राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा उत्तर प्रदेश का इकलौता और भारत का इकलौता के साथ कभी सुना है कि कोई जिला चार अलग अलग राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता हो उत्तर प्रदेश में है और इस जिले का नाम है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा बुलंद शहर बरेली मिर्जापुर हैव एक्सेल टू इन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन किया सेवरल अदर यूपी डिस्ट्रिक्स ऑल्सो फिगर इन द सर्वे तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शाहजहांपुर को आप याद रखेंगे क्योंकि इसने ऑल ओवर इंडिया सभी राज्य जिलों में बेस्ट किया है जल जीवन मिशन पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप्स कनेक्शन यानी कि सभी परिवारों तक सभी घरों में पानी के नल का जो कनेक्शन होता है वो पहुंचे ठीक है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड प्रत्येक ग्रामीण परिवार में भी घरों में भी विद सर्विस लेवल एट द रेट ऑफ 55 फाइव लीटर पर डे यानी कि प्रति व्यक्ति प्रति घर में पचपन लीटर तक पानी इस नल कनेक्शन के माध्यम से पहुंचे द होल कंट्री इज टू बी कवर्ड बाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक पूरे भारत में ये वर्किंग टैप कनेक्शंस लग जाने चाहिए सरकार का एम ये है टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं शाहजहांपुर विद 68 विद्सेंड एंड शुरुआती दो कैटेगरी में इसने टॉप किया है इन दैटेगरी फॉर इंश्योरिंग ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटीन टैप कनेक्शन इन अक्टूबर मंथ अक्टूबर के महीने में करीब अट्ठाईस हजार से ज्यादा टैप कनेक्शन लगाए टॉप किया है शाहजहांपुर ने बिजनेस और इकोनॉमी पर बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया जा रहा है एक नंबर पर सीधा क्वेश्चन हाँ होता है इंपॉर्टेंट तो बनेगा एक्सिस बैंक एंड फ्लिपकार्ट तो दो ऑर्गेनाइजेशन आपके ये रहेंगे एक्सिस बैंक ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है पार्टनर टू लॉन्च द सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड तो ये क्रेडिट ये कार्ड क्या है इन एन

और फ़्लिपकार्ट का जो सिस्टम चलता है सुपर सुपरकॉइंस वाला उसमें काफ़ी उनको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे और उनको भी वो अर्न कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल वो शॉपिंग के लिए कर सकते हैं तो फ्लिपकार्ट ने इसके लिए किससे साझेदारी करी एक्सिस बैंक से आपकी साझेदारी की है एक्सिस बैंक चर्चा में है ख़बरों में है इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक की स्थापना तीन दिसंबर नाइनटीन में हुई थी और तब इसे एक्सिस बैंक नहीं बल्कि यूटीआई बैंक कहा जाता था यूटीआई का फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो एक्सिस बैंक का जो फॉर्मर नेम है वो यूटीआई बैंक है और अगर आप ये पूछोगे कि सर एक्सिस बैंक को अपना नाम एक्सिस बैंक कब मिला तो पहले इसे यू बैंक के नाम से जाना जाता था और उसको रीनेम किया गया 2007 में एज एक्सिस बैंक एंड का फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसी से एक पॉइंट और याद रखेगा UTI से. UTI, भारत का वो पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने म्यूचुअल फंड सिस्टम की शुरुआत की थी या म्यूचुअल फंड स्कीम की शुरुआत की थी इन 1963-64 के आसपास यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की थी तो ये याद रखेगा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है अमिताभ चौधरी इसके MD और हैं राकेश मखीजा जी इसके चेयरमैन पर बनते हैं क्लियर है अगर बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है तो बैंक कौन सा है फटाफट -फट से सेक्शन में बताइएगा इंपॉर्टेंट डेज में शेयर कर रखी है तो यहां पर अभी तक की, uh, को ही कवर किया गया है ठीक है कोई खास इंपॉर्टेंट डेट था नहीं तो इसको अभी अभी आगे नहीं बढ़ाया है तो नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में आगे के इंपॉर्टेंट को भी शामिल कर लिया जाएगा एच टॉप प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इंडिया में बिल्कुल सही जवाब ये तीन प्रश्न आप सभी को मैं देकर जा रहा हूं इन तीनों प्रश्नों का आंसर सेशन कंप्लीट होते ही क्लास कंप्लीट होते ही आपको कमेंट सेक्शन में करना है ओके okay, ये आप सभी के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में लीजिएगा स्क्रीन ले लीजिए और आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कोशिश करेंगे शिवम शर्मा जी कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे ठीक है कि एक सेशन अलग से वो लिया जाए ठीक है ओके okay. आपको इस सेशन की पीडीएफ की भी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आप नोट्स बनाना ही चाहेंगे तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम आपके सामने है एम बाई व बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यह टेलीग्राम चैनल का नाम है आप चाहें तो स्क्रीन लेकर इस क्यू कोड को स्कैन कर सकते हैं जिससे आप टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी वहाँ से भी जाकर आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आप सभी को कमेंट सेक्शन में दिख रही होगी उस पर क्लिक कीजिए फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एम बाइव ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए इस ऐप पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जैसे कि इम्पोर्टेंट कोइजेस अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपको मार्केट से अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर वो सारी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बहुत सारे मॉक ये सब कुछ आप इस ऐप पर आ, आ, अवेल कर सकते हैं आप अपना पहले गोल सेलेक्ट करेंगे कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस एग्जामेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको तो गोल सेलेक्ट करने के बाद आप उस कैटेगरी से संबंधित सारी चीजों को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं तो आज ही जाइए विजिट कीजिएगा विजिट कीजिएगा एम बाई पर और इसका लाभ उठाइए थैंक यू सो मच एवरी फॉर ज्वाइन दिस सेशन लाइव नौ बजे प्रबल सर का सेशन लाइव होगा मैथ्स सेशन के लिए क्वांट की क्लासेस के लिए तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा मिलेंगे आपसे कल सुबह आठ बजे आप सभी के साथ डेली बेसिस पर सुबह आठ बजे सेशन होता है तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा थैंक यू एवरी वन थैंक यू बिलीव इन यू